हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने फोन में गेम्स को हाइड करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम अपने फोन में गेम्स को कैसे छुपा सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने फोन में गेम्स को कैसे हाइड कर सकते हैं, कैसे उसे छुपा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये सारे गेम्स हैं, फौजी और बैटल ग्राउंड्स, फ्री फायर, ये सब गेम हैं, अमंग अस। तो इसे हम कैसे छुपा सकते हैं, कैसे अपने फोन में हाइड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए। तो इसे आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को और पूरा लास्ट तक देखना है। चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा प्राइवेसी, देख सकते हैं प्राइवेसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऐप लॉक, तो यहाँ पे आपको ऐप लॉक पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको ब्लैक स्क्रीन आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड पूछा जाएगा सेट करने के लिए, या फिर अगर आपने पहले यूज किया हुआ है तो आपको पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा, तो आप पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद इस टाइप का स्क्रीन खुलेगा, यहाँ पे आपको सभी पर से टिक जो है उसे हटा देना है यहाँ से, और उसके बाद लॉक पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप यूज पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे ऐप्स जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं, सारे फोन के ऐप्स जो है वो आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको जो भी लॉक करना है, जिसे भी आपको हाइड करना है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे ये गेम हाइड करना है तो इसमें क्लिक करता हूँ, इसके बाद ऐप लॉक पे यहाँ पे क्लिक करके इसे लॉक करता हूँ, और लॉक करते यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन का एक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट इसे टिक करना है। इसके बाद सेट एक्सेस कोड पे आपको क्लिक करना है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कोड सेट करना है जिससे आप खुद जो है इस ऐप को ओपन कर सके, जो भी आप ऐप हाइड करते हैं उसे ओपन कर सके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हैच पहले लगाना है, उसके बाद 4 अंक का कोई भी कोड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कर लेता हूँ, उसके बाद हैच पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट हो चुका है, ऊपर में डन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये बता रहा है कि हमें इसे कैसे ओपन करना है, चलिए ठीक है डन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड हो चुका है कम्प्लीटली हमारे फोन में ये ऐप। अब यहाँ से हम बैक आते हैं और ये ऐप हाइड हो चुका है, अभी और भी हाइड करना है आपको तो हाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं फ्री फायर को हाइड करना चाहता हूँ, तो इस पे मैं लॉक पे क्लिक करता हूँ और हाइड पे आपको क्लिक करके इसे भी हाइड कर देना है। तो इस तरह से आपको जो जो भी हाइड करना है उसे आप इसी तरीके से हाइड कर सकते हैं। सो देख सकते हैं मैंने 3 ऐप्स को जो है यहाँ पे हाइड कर दिया है। अब यहाँ से हम बाहर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं ऐप्स यहाँ पे हाइड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जो है ऐप्स यहाँ से गायब हो चुका है, कहीं भी अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब ये ऐप्स हम खुद कैसे खोलेंगे, इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको डायलर पे जाना होगा और यहाँ पे आपको वही कोड डालना होगा जो आपने सेट किया है। तो मैं यहाँ पे हैच 1, 2, 3, 4 एंड देन हैच, जैसे ही हैच दबाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हाइड ऐप होगा, जो भी आपने ऐप हाइड किया होगा वो यहाँ पे आपको सारे के सारे दिख जाएंगे। यहाँ से आप बहुत ही आसानी से इसे ओपन कर सकते हैं और फिर यहाँ से कट कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये ऐप्स जो है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। तो इसी तरीके से आप भी अपने फ़ोन में गेम्स को हाइड कर सकते हैं।